कांवड़िए जिनको अस्पताल में तुरंत भर्ती करा दिया गया। अस्पताल की यह तस्वीर देख पा रहे हैं, हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से यह हादसा यहां पर हुआ है। इस वक्त की यह बड़ी खबर अंबाला से। आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से लगातार कांवड़ यात्रा चल रही है और ऐसे में पुलिस की तरफ से भी कड़े सुरक्षा इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से दो कांवड़िए झुलस गए जिनको तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। स्थिति थोड़ी गंभीर है जिसको देखते हुए चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया है। तो फिलहाल पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी, तुरंत अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है। आपको जानकारी यह भी दे दें कि लगातार कांवड़ यात्रा चल रही है और ऐसे में यह हादसा अंबाला से सामने आया है जहां पर कांवड़ियों के साथ यह बड़ा हादसा हो गया। दरअसल कांवड़ लेकर कांवड़िए जा रहे थे और उसी बीच हाई टेंशन तार की चपेट में दो कांवड़िए आ गए जिनको करंट लगा और बुरी तरीके से वो झुलस गए। आसपास जितने कांवड़िए मौजूद थे उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई है, तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया है। स्थिति थोड़ी गंभीर बनी हुई है जिसको लेकर चंडीगढ़ पीजीआई उनको रेफर किया गया है। अंबाला से हमारे संवाददाता बीएस गुलियानी हमारे साथ जुड़ गए अपडेट के साथ। बीएस गुलियानी, जिस तरीके से ये हादसा यहां पर देखने को मिला है, हाई टेंशन तार की चपेट में आखिरकार दोनों कांवड़ी आ कैसे गए थे, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कल कांवड़ यात्रा लेकर ये कांवड़िए अंबाला कैंट के नजदीक पहुंचे थे तो अचानक ही उनके जो जिससे उस गाड़ी में सवार थे उसके साथ साथ जो चल रहे थे कांवड़िए, तो अचानक ऊपर से हाई वोल्टेज तारों का जो करंट था वो उस वाहन के साथ तारें टच हो गई, जिसके बाद दो कांवड़िए बुरी तरह से झुलस गए, जिसके बाद उन्हें जल्द से एम्बुलेंस में डालकर अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन वहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। जी फिलहाल अभी दोनों की स्थिति कैसी बनी हुई है? जी अगर डॉक्टरों की माने तो डॉक्टरों का कहना है कि जो दो कांवड़िए थे वो काफी ज्यादा झुलस गए थे, जिस कारण उन्हें पीजीआई रेफर करना पड़ा और जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। जी चलिए ठीक है बीएस गुलियानी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।